फिरौती के लिए अपहरण करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश जनपद अमरोहा थाना डिडौली प्राइवेट फर्म में नौकरी करने वाले युवक का साथियों ने अपहरण कर लिया। 3 दिन तक स्वजन तलाशते रहे। घटना की जानकारी उस समय हुई जब स्वजनों को कॉल कर आरोपियों ने 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पुलिस ने महिला सहित 5 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि जनपद संभल के असमौली थाना क्षेत्र के गांव मंसूरपुर निवासी मंगा अली का बेटा राबुल हसन डिडौली कोतवाली क्षेत्र में हाईवे स्थित एक फर्म में नौकरी करता है। रविवार शाम को वह ड्यूटी कर वापस लौट रहा था। आरोप है कि उसके साथ काम करने वाले 5 युवकों ने ही राबुल का अपहरण कर लिया। घर न पहुंचने पर स्वजनों को चिंता हुई, उन्होंने राबुल की तलाश शुरू कर दी। मंगलवार को स्वजनों के पास एक कॉल आई तथा राबुल को छोड़ने के लिए 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। अपहरण की सूचना पर स्वजनों में खलबली मच गई। उन्होंने मंगलवार देर रात डिडौली कोतवाली को घटना की सूचना दी तथा मोबाइल नंबर भी बता दिया। पुलिस ने मोबाइल नंबर की लोकेशन के आधार पर छापा मार कर राबुल को बरामद कर लिया। इसके साथ ही 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप सिंह ने खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को जेल भेज दिया है। डिडौली थाना क्षेत्र के एक फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति का कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था और अपहरण करने के बाद मोबाइल से पैसे की मांग कर रहे थे। इस सूचना पर थाना डिडौली पर अपराध पंजीकृत करके करीब 5 टीमें बनाई गई और थाना अध्यक्ष डिडौली तथा क्षेत्र अधिकारी के नेतृत्व में सफल बरामदगी कराई गई। इस तरह से ये कुल 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। क्या कारण रहा सर अपहरण के पीछे, लोन क्या बताया? अपहरण के पीछे धन की मांग कर रहे थे और यह भी पता चला कि कुछ तंत्र मंत्र का काम भी कर रहे थे। अपहरण हुए युवक का नाम क्या है सर जो बरामद हुआ? अपहृत हुए युवक का नाम बताना उचित नहीं होगा।